लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम सारी बड़ी खबरें। संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में पड़ा मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। परिजनों ने हत्या की आशंका की व्यक्त की। मृतक युवक के शव को देखने के लिए सैकड़ों नागरिकों ग्रामीणों की लगी भीड़। गुजरात में प्राइवेट नौकरी करता था युवक, गुजरात से लौट रहा था घर। थाना डेरापुर क्षेत्र के पवनिया गांव का रहने वाला है मृतक युवक। घटना स्थल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिकंदरा विधानसभा से प्रत्याशी नरेश कटियार मौके पर पहुंचे, परिजन को ढांढस बंधाया। कांग्रेस नेता नरेश कटियार ने घटना की निष्पक्ष जांच कार्यवाही की पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात से की मांग। पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम को भेजा। थाना सिकंदरा क्षेत्र के ग्राम डुबकी के पास NH2 के किनारे का मामला। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। लड़का कहाँ के भैया? जी पबनई गांव का। ये हत्या हो गई, कैसे हो गई? जी ये अपने भाई के पास में गया था गुजरात जी काम करने के लिए। जी जी। तो इसके बाद में वहाँ से चुपचाप से अपने भाई से चला आया वहाँ से गुजरात से। जी जी। और इसके बाद में यहाँ पे आज रविवार को चला है और आज मंगलवार को मालूम हुआ कि इसकी यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है। ये किसने देखा था यहाँ पे सबसे पहले? जी ये खेत मालिक। अच्छा, खेत मालिक ने घर में सूचना दी है? नहीं, खेत मालिक के घर में लोगों को सूचना दी, जब यहाँ भीड़ देखी गई तो गांव के लोगों ने यहाँ से निकल रहे थे। हाँ, उन्होंने देख करके पहचाना। अच्छा अच्छा, क्या नाम है इसका? इसका विनय कुमार शर्मा। और पिताजी का नाम? श्री रामाश्री शर्मा। माता जी है इनकी? जी। उनका क्या नाम है? माता जी का सरना नहीं मालूम नाम। अच्छा, और इसके भाई आई और हैं? जी हाँ, एक भाई है वो गुजरात में है, उसी के साथ में गया था, वो वहीं पे है। अच्छा अच्छा। और इसके चाचा बाबा के लड़के हैं। और क्या होगी इसकी उम्र, क्या होगी? जी इसकी 21-22 ऐसी होगी सर। अच्छा, घटना का भी कोई ऐसा मतलब वो नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है? ये पता नहीं चल पा रहा है, ये तो नहीं पता चल पा रहा है इसकी, क्या इसका रहस्य है क्या नहीं है। तो कुल मिला के गुजरात से चला था, अपने घर नहीं पहुंच पाया। जी जी, यही है ना पूरा मैटर? जी हाँ। और भैया कौन सा है ये? जी ये डुबकी है, डुबकी हाईवे और गाँव पबनई 1 किलोमीटर दूर पड़ता है।